अगले कॉल से बात करते हैं। वीके मालू है मास्टर कोटा से। मालू सर नमस्कार, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर 3,000 शेयर है, 221 खरीदे हैं अर्ली 21 में। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स 221 की आपकी खरीदारी है, काफी अच्छे मुनाफे में हैं ऑलरेडी आप। क्या करना चाहिए इनको हिमांशु, लेना है मुनाफा या होल्ड रखें फिलहाल इन पोजीशंस को? दीपाली जी, मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं है स्टॉक में, खरीदारी का भाव बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर है। अगर कोई स्टॉक में या मार्केट में करेक्शन आती भी है तो मुझे लगता है कि 320 325 रुपए के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है और स्टॉक उसके नीचे मुझे जल्दी से जाता नहीं लगता। तो फिलहाल पोजीशन में बिल्कुल बने रहें, आने वाले समय में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल्स पर आपने शेयर में खरीदारी की है, बने रहने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे। देव शर्मा है जम्मू से। देव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मेरा नाम देव शर्मा है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू चाहता हूँ नेक्स्ट 2 ईयर्स का, और आईसीआईसी लोम्बार्ड पे। आईसीआईसी लोम्बार्ड और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हिमांशु, लेकिन मैं बता दूं रिलायंस इनकी 890 की खरीदारी है, आईसीआईसी लोम्बार्ड 665 की। तो ऑलरेडी काफी अच्छा फायदा इनको इन दोनों पोजीशंस में हो रहा है। क्या करना है आगे? दीपाली, दोनों ही स्टॉक्स अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं दोनों ही, और खरीदारी के भाव भी बहुत बेहतरीन लेवल्स पर हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। अगर मैं आईसीआईसी लोम्बार्ड की स्टॉक की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 1400 1450 रुपये बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे स्टॉक जल्दी से जाता नहीं लगता। तो फिलहाल उस 1400 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजिशन में बने रहें, आने वाले समय में यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट उनकी खरीदारी से लगभग 4-5 गुना भाव है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये सलाह रहेगी कि जिस तरह का मोमेंटम रिलायंस इंडस्ट्रीज में बना हुआ है, आने वाले दिनों में यहाँ पर 3,000 तक के भी टारगेट का पोटेंशियल है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, आने वाले समय में कोई स्टॉक में करेक्शन मिलती है अगर तो और खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स, और डिप्स मिले तो ऐड भी कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ऐसा हिमांशु का सजेशन है। रिलायंस से जुड़ा हुआ एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। पंचानंद है हमारे साथ था फोन लाइन पर बिहार से। नमस्कार सर, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, जय माता दी जी। हमने ये गुड इवनिंग, जय माता दी। हिंदुस्तान जिंक का 45 शेयर खरीदा था 19 मई को, 359.85 रुपये। अच्छा ठीक है। उसको क्या पूछ लेते हैं, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग का व्यू लग रहा है मुझे तो, जैसे कि हाल ही की इनकी खरीदारी है और जिन स्तरों पर इन्होंने एंट्री की है, क्या सजेशन होगा? 27 रुपए का नुकसान है फिलहाल हर शेयर पर। दीपाली जी, मुझे लगता है कि बने रहने में कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। स्टॉक ने साइडवेज कंसोलिडेशन साइकिल पूरी की है और आज ही यहाँ पर काफी समय की एक अंडर परफॉर्मेंस या एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े दिनों का शायद इनको समय देना पड़ेगा। 335 340 पर थोड़ा सा एक हर्डल है, 340 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में 360 380 रुपए तक के टारगेट्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करें और बने रहें। तो होल्ड कीजिए और आप बने रहिए इस पोजीशन में, ये सजेशन है। तो ये है सजेशन आपके लिए। जयेश भाई हैं अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेंद्र नगर से। जयेश भाई जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए और बिना टीवी के जरिए सुने आप अपना सवाल पूछिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिया है मैंने मैडम, 2017 के आसपास 92 में। ठीक है हिमांशु, इनका सवाल आपने सुना। 500 शेयर 92 की बाइंग, दमदार मुनाफे में है, ऑलमोस्ट 4 गुना फायदा इनको हो रहा है इस पोजीशन में। होल्ड करें या प्रॉफिट लेकर निकल आए? दीपाली जी बिल्कुल बने रहे। देखिए आपके जरिए मैं एक एक छोटा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है स्टॉक को पहला
डबल होना, उसके बाद स्टॉक 3 times, 4 times, 5 times होता है, तो सिर्फ आपको अपना पेशेंस टेस्ट करना है। मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक कभी आपके खरीदारी के भाव पर वापस आएगा। स्टॉक में बिल्कुल बने रहे, बहुत एक तरफा स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिली है और स्पेशली इस सेक्टर में काफी अच्छी यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, स्टॉक को होल्ड करें। बहुत ही उमदा लेवल्स पर आपके खरीदारी के लेवल्स हैं, लॉन्ग लंबी अवधि के लिए शेयर में निवेशित रहें। होल्ड कीजिए इस शानदार मुनाफे के बावजूद भी, रखिए इस पोजीशन को। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हिमांशु है हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और एक सवाल ले लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए, दीप ने भेजा है पुरी से, डॉक्टर रेड्डीज पर इनका सवाल है। हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर? इनके पास 30 shares हैं, जो डिटेल इन्होंने मेंशन किया वो 550 की इन्होंने लिखी है। तो अब अगर ये एक्चुअल का बाइंग प्राइस है तो फिर तो इनकी एक्सट्रीम ओल्ड बाइंग है और काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है ये, और अगर ये टाइपो भी है तो भी उसके बावजूद क्या सजेशन आपका रहेगा डॉक्टर रेड्डीज पर? दीपाली जी देखिए, अगर तो 550 का खरीदारी का भाव है तो बिल्कुल तब भी बना रहना है, और अगर 5,500 का भी खरीदारी का भाव है तो भी मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर बने रहें, क्योंकि स्टॉक एक ऑलरेडी एक करेक्शन दिखा चुका है और अब जिस तरह से स्टॉक का रिसेंट प्राइस फॉर्मेशन है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पर थोड़ी सी एक रिकवरी स्टॉक अटेम्प्ट कर सकता है। अगर 5,500 का खरीदारी का भाव है दीपाली जी, तो 4,700 का मैं एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा और पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दूंगा। होल्ड करने की सलाह है इस पोजीशन को, बने रहिए आप इस स्टॉक में, यही कॉल है हिमांशु की तरफ से। चलिए शो को समेटने का वक्त है, शुक्रिया हिमांशु आप आए शो में, सभी स्टॉक्स पर राय दी। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने चर्चा करी, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो और हमने सिमिलर लाइंस पर उनको भी ये रिकमेंडेशन दी हो। शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।